अड़तालीस घंटे इसराइल और अमेरिका पर भारी पड़ने वाला है ईरान ने कह दिया है कि 48 घंटे में 200 मिसाइल दागूंगा और निशाने पर होगा इसराइल और अमेरिका के वो तेरह ठिकाने जो मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में उसका सैनिक अड्डा है जहां उसके 40 फाइटर प्लेन और चालीस हज़ार सैनिक है वही जैसे ही इसराइल टैंक लेकर फिलिस्तीन में घुसा कब्रिस्तान में बैठे हिजबुल्ला हमास और ईरान के मिसाइल ने दागा और 50 टैंक को दो मिनट में स्वाहा कर दिया ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा लेकिन जो आपको दिख रहा है वो हो नहीं रहा है दरअसल इसराइल ने अपने खिलाफ एक बड़ा दुश्मन तैयार कर लिया है और ताज़ा अपडेट ये है कि ईरान मैं आपको चार दिनों से बता रहा था कि ईरान ने दो सौ मिसाइल तैनात कर रखे हैं ऐसे मिसाइल है वो जो सीधे सीधे दुश्मन के यहाँ जाकर फटता है दरअसल इसराइल को गुमान था कि उसके पास टेक्नोलॉजी हथियार है और इन देशों के पास कुछ नहीं है नमस्कार मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक सोचिए इसराइल अपने आप को उन्नीस का वो डॉन समझ रहा था जिसके सामने कोई कुछ है नहीं दरअसल 70 और 80 के दशक में मुस्लिम कंट्री के पास अपना फाइटर प्लेन नहीं था मिसाइल नहीं था उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे और नतीजा ये हुआ कि इसराइल जो है अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने लगा और वो जब चाहता था जिसको चाहता था रॉन देता था लेकिन पिछले 20 सालों में हालात बहुत बदल गए हैं तीस सालों में और हालात बदले हैं और आज के डेट में ये हालात हैं कि रूस और चाइना ने सभी देशों को फाइटर प्लेन बेचा है अमेरिका भले एहतियात बरतता था वो इसराइल को देता था पाकिस्तान को देता था मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को नहीं देता था लेकिन आज ये स्थिति है कि ईरान ने चीन की मदद से अपने फाइटर प्लेन डेवलप कर रखे हैं उसके पास अपने मिसाइल हैं जो कम से कम तीन हज़ार किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकता है उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया जिसके पास एटमी मिसाइल है रूस की ताकत किसी से छिपी नहीं है और चाइना जो सबसे छुपा हुआ रुस्तम है जो एक तीर से दो निशाने साध रहा है उसकी कोशिश है कि खाड़ी देशों में अपना व्यापार फैलाया जाए खाड़ी देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाई जाए और भारत को अर्थव्यवस्था पर चोट किया जाए वही उसकी कोशिश है चूंकि रूस के साथ उसके करीबी दोस्ताना संबंध है ईरान के साथ उसके दोस्ताना संबंध है तो वो हथियार भी सप्लाई कर रहा है और यही इसराइल मात खा गया इसराइल वही सोच रहा था पचहत्तर अस्सी और पचासी का दौर कि इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं मैं बम बरसाऊंगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन अब ईरान ने खुलेआम चेतावनी दे दी है 48 घंटे में वो 200 मिसाइलें दागेगा जिसमें अमेरिका के सैनिक अड्डे शामिल हैं और खुद इसराइल शामिल है सोचिए दो मिनट में 50 टैंक उड़ा दिए गए इसराइल के और वही पूरी दुनिया का भरोसा इसराइल से उठता जा रहा है जिस तरह से दो अस्पतालों पर हमला हुआ जिस तरह से एक शरणार्थी कैंप पर हमला हुआ इसके बाद तो तय हो गया है कि इसराइल बेकाबू है और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है ताजा बेट ये ये आ रहा है कि 80 अड्डों पर 200 मिसाइल से हमला करेगा 48 घंटे में ईरान सोचिए मैं फिर कह रहा था एलन मस्क ने कहा है कि हम तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं बस फर्क इतना है कि दो वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ था तीसरा वर्ल्ड वॉर एशिया में होगा ताज़ा अपडेट यह है कि ईरान ने 200 मिसाइल तैनात कर दी है 48 घंटे में वो 80 अड्डों पर हमला करेगा जिसमें अमेरिका के बेस अड्डे हैं और इजराइल शामिल है वहीं हुथी जैसे हिजबुल्ला लेबनान का है जैसे फिलिस्तीन का हमास है उसी तरह से अमन का जो है वो हुथी है और अमन ने तो बायदा युद्ध में जाने का ऐलान कर दिया है और इसका मतलब है कि चारों तरफ से इसराइल अब फंसता जा रहा है इसराइल के पास सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मदद है अमेरिकन हथियार है लेकिन सोचिए फिलिस्तीन के पास ईरान के पास यमन के पास मिस्र के पास इजिप्ट के पास तुर्की के पास जॉर्डन के पास सीरिया के पास ये वो तमाम देश हैं जो खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इनको हथियार दे रहा है रूस और चीन मैंने आपको पहले ही बताया था रूस एक तीर से दो निशाने साध रहा है दरअसल रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है यूक्रेन की हैसियत नहीं थी कि वो रूस से लड़ पाता लेकिन जिस तरह से यूरोप नेटो और अमेरिका ने लगातार हथियारों की सप्लाई की यूक्रेन को वहाँ रूस फंस गया और यूक्रेन हारने वाला नहीं है क्योंकि उसके लिए हथियारों की आपूर्ति हो रही है यही ठीक यही फार्मूला अब चीन और रूस जो है वो फिलिस्तीन के लिए अपना रहे हैं और लगभग गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक मिला के तीस लाख फिलिस्तीनी हैं उसमें से दस लाख युवा फिलिस्तीनी जो है वो हथियार उठाने के लिए तैयार है सोचिए दुनिया के लगभग चुनिंदा कुछ देश हैं जिनके पास 10 लाख सैनिक हैं तो अगर 10 लाख फिलिस्तीनियों को हथियार मिल जाए तो वो अकेले ही भारी पड़ेंगे सवाल है कि लगभग 80 लाख आबादी है इसराइल की तो क्या इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा फिलिस्तीन पहले से ही एक गरीब मुल्क है बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होता दिख रहा है तो वो इसराइल का और इसराइल की बर्बादी होनी तय है और जिस तरह से गाजा पट्टी को बर्बाद किया गया है बमबारी की जा रही है आपको बता दें कि पहले ही इसराइल दुनिया का भरोसा खो चुका है यूनाइटेड नेशन के सत्तर लोग से ज़्यादा मारे गए हैं इसको लेकर भी दुनिया भर में गुस्सा है 120 देशों ने पहले ही शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं और वो डिमांड कर रहे थे इसराइल से कि वो युद्ध रोक दे लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपने अकर में इतने इतने मतलब मगरूर हैं वो इतने अंधे हो गए हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने, ने कहा कि हम इस फैसले को वापस नहीं लेंगे लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पर जा रहा है उसको मात खानी पड़ रही है मुंह की खानी पड़ रही है तो ताज़ा अपडेट ये है कि अब सीधे सीधे ईरान इस युद्ध में कूद गया है और ईरान का कूदने का मतलब है कि उसको रूस और चीन का शह है इसके बगैर वो युद्ध में जा ही नहीं सकता है तो सोचिए किस तरह से इसराइल जो है वो अलग थलग पड़ गया है एशिया का एक भी सिंगल देश नहीं है जो इसराइल के साथ खड़ा है इसराइल के साथ खड़ा कौन है अमरीका अमरीका एशिया का देश नहीं है वो युद्धपोत के जरिए समंदर में युद्धपोत खड़ा करके लड़ता है और जब ईरान के पास जो मिसाइलें हैं तेरह बड़े सैनिक अड्डे हैं एशिया में खासकर खाड़ी देशों में अमेरिका के और अगर उस पर ईरान हमला करता है ईरान भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था इस मौके का और अगर उस पर हमला करता है तो अमेरिका मजबूरी में ईरान इसराइल की मदद करने के बदले पहले अपने 40000 सैनिकों को बाहर निकालेगा ये युद्ध जो है बहुत क्रुशियल मोड़ पर पहुंच गया है और अगर इसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते की बात नहीं मानी युद्ध विराम नहीं किया फिलिस्तीनियों पर बमबारी जारी रखा तो 48 घंटे सबसे अहम है और हो सकता है कि पूरा का पूरा मुस्लिम राष्ट्र एक मुस्त इसराइल पर हमला कर दे ये सबसे बड़ी अपडेट है आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें